मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी व छात्र इकाई NSUI द्वारा स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स हेल्थ कैंपेन के अंतर्गत नीट JEE की परीक्षाओं को स्थगित करने, 6 महीने की फीस माफ करने व कोविड के चलते किसी भी प्रकार की परीक्षाएं ना करवाकर छात्रों को बिना परीक्षाओं के ही प्रमोट करने की मांग को लेकर आज NSUI समेत छात्र नेताओं ने एक दिवसीय भूख हड़ताल के माध्यम से छात्र हितों की मांग उठाई। छात्र नेताओं ने प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीमित संख्या में ही अपनी आवाज बुलंद कर नियमों का पालन किया। NSUI द्वारा ये भूख हड़ताल प्रदर्शन पूरे देश भर में आयोजित की गई, जिसमें छात्रों के हितों की आवाज को उठाने का काम किया गया। केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 शिक्षा परिवार मुर्दाबाद 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 सोशल मुर्दाबाद 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद 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 रमेश पोखरियाल मुर्दाबाद 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 पिटा रहा है खट्टे नहीं खटा रहा है झूठों का पिटा रहा है शिक्षा मंत्री होश में आओ। NSUI के जिला उपाध्यक्ष विकास वागना ने कहा कि जब इतने रख रखाव व बचाव के बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व अन्य विधायक नेता लोग तक सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे में परीक्षा केंद्रों में छात्रों के जीवन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। यदि इससे संक्रमण फैला तो इसकी जवाबदेही छात्रों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी होगी। कारण छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। ये BJP सरकार है, बच्चों को यूज करना चाह रही है, कैप्सूल बनाना चाह रही है, कोरोना टेस्ट का कैप्सूल बनाना चाह रही है, 25 लाख बच्चों के नीट के JEE के एग्जाम लेना चाह रही है, 25 लाख बच्चों के करो। जब 500 केस थे जब तो उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, जब 500 केस थे आज 35-40 लाख केस हो गए, आज ये एग्जाम लेना चाह रहे हैं बच्चों के, तो एग्जाम कैसे हो सकते हैं। जब हमारा मुख्यमंत्री से लेके विधानसभा अध्यक्ष और हमारे फरीदाबाद के तो मंत्री ग्रस्त हो गए कोरोना से, ये विधानसभा सेशन ले रहे हैं जब तो 90 MLO का कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, तो ये 25 लाख बच्चों का कोरोना टेस्ट क्यों कराते। 25 लाख बच्चों का कोरोना टेस्ट कराए पहले तो जो एग्जाम कैसे हो सकते हैं। इनकी सद्बुद्धि दे भगवान, मैं चाहूंगा इनको सद्बुद्धि दे पहले, ये सोच विचार करें अपने डिसीजन में दोबारा से। ये दोबली सरकार है, कभी खुद का डिसीजन रहता ही नहीं है इनका। एक ये जो लोटा होता है लोटे की तरह बदलती रहती है इनका, कभी भी कोई एक डिसीजन नहीं होता, कभी कुछ बोलते हैं फिर अपने डिसीजन से कहते हैं कि मैंने नहीं बोला, ये नहीं बोला। हमारे जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि मैं काबिलियत वाली डिग्री देना चाहूंगा, मैं तो उनकी डिग्री पर ही सवाल उठाता हूँ। उनकी डिग्री के लिए अब तक बातें बन रही हैं, और जो हमारे रमेश पोखरियाल जो MHRD मिनिस्टर हैं उनकी डिग्री के लिए अब तक बातें बन रही हैं। ये पूरे हरियाणा में है, हर जिले में NSUI कर रही है, और हमारे साथ NSUI पूरे हर जिले में कर रही है, हमारे साथ मेन कांग्रेस भी कर रही है। आज यूथ कांग्रेस हो गई, सेवा दल हो गई, महिला कांग्रेस हो गई, मेन कांग्रेस सारी NSUI के समर्थन में आज रोडों पे हैं। सरकार जो वो सुनती नहीं है छात्रों की, वो छात्रों की। आज हम एक दिवसीय भूख हड़ताल बैठे हुए हैं यहाँ पर, बारिश का मौसम है, पर क्या करें, ऐसी अनुमति आ गई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी 3 दिन से भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। उनका कल BP भी लो गया, उन्हें एडमिट करने के लिए बोल रहे, पर वो मान नहीं रहे कि जब 25 लाख बच्चे पेपर देने जाएंगे तो कैसे किस तरीके से जाएंगे। ये सरकार बार बार कह रही है कि बच्चों ने 15 लाखों ने वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए। अरे 15 लाख बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए, वो अपना केंद्र देखने जा रहे हैं कहाँ कहाँ पर है। आप ये नहीं देख रहे कि रोज की आपको 1 करोड़ ज्यादा बच्चे रोज की कोस रहे हैं, आपको ट्विटर पर ट्रेंडिंग चला रहे हैं, उनको नहीं देख रहे आप। अब 15 लाख एडमिट कार्डों को देख रहे हैं। देखो जी, अब हम सारी की सारी, अभी तो हमने विरोध प्रदर्शन करा है, हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं एक दिन के लिए, एक दिवसीय। अगर सरकार ने हमारी अभी नहीं मानी तो हम इस भूख हड़ताल को लंबी खींचेंगे और कंटिन्यू बैठे रहेंगे।